करते हैं अपने अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज से। इन बच्चों ने ताली बजाओ पहले। सर ने पहले से डंडा दे रखा था कि भाई करो कुछ ना कुछ करो करो। एक्चुअली हम डीमोटिवेट हो जाते हैं लेकिन सर ही है एक जो पीछे से बोलने वाले होते हैं, हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं। नहीं हम नहीं, एक्चुअली हम करने वाले नहीं थे लेकिन सर ने ही बोला। सर के लिए मैं जोर से क्लैपिंग हो। ये मेहनत करते हैं हम, कुछ इनके लिए क्लैपिंग करो, इनके लिए करते हैं। बच्चों ने टीम की अच्छी अच्छी कोशिश की, छोटी मोटी गलती है लेकिन बच्चे इतना बड़ा सोचते हैं, टीम देने का सोचते हैं, बहुत बड़ी बात है बच्चों के लिए। ये क्लास में कभी चुप नहीं होती, हंसती रहती है। और वो कहाँ है सोनिया, कहाँ पर हो? अब सोनिया बोले कि ये हंस तो है ही नहीं, मैं चाटी पे जाती हूँ इसके वहाँ पर। नहीं ये नहीं बोला, इसने बोला मैम अगर ये वहाँ पर हंसी तो उसके दो चाटे लगा देना। वो कहती मारना, मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी, मैं बुलाओ अपनी मम्मी को, मैं मम्मी से बात कर लूंगी। अभी लास्ट वो राधा का भी, राधा मुझसे पूछता था, राधा मुझसे कहती मैम ये हंसे जा रही है, करेगी कैसे? राशि मैंने कहा स्टेज पे देखना और जीभ निकाली वरना प्रशांत की परफॉर्मेंस कैंसिल हो जाती। अगर दीवार से जीभ निकालते तो प्रशांत की परफॉर्मेंस कैंसिल हो जाती। शिपाली हेलो, ये हमारी आज की एंकर है, इन्होंने बहुत चैंग की। करना है और एंड होगा तो म्याऊं करना है, ठीक है म्याऊं।
मैं ते सब नु यही कहूंगा जी, डांस करो, एंजॉय करो, मस्ती करो, बस मोटिवेट करते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं, मतलब मेरा क्या था कि लास्ट टाइम जब उन्होंने बोला स्टेज परफॉर्म करना है तो थोड़ा मैंने बोला कि मुझसे नहीं हो पाएगा, वो मुझसे बोलते हैं कि यार सिद्धार्थ क्यों नहीं हो पाएगा तुमसे, तो इनके अंदर मतलब बोलता हूँ कि हर पेरेंट्स को के अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए और वो टीचर को देखते हुए और बच्चे को इतना बिहेवियर नॉर्मल होना चाहिए, मतलब इतना फ्रैंक होना चाहिए बच्चे को कि बच्चा खुद ना खुद अपनी चीज़ों को अपने पेरेंट्स अपने टीचर के सामने रख पाए, बस इतना ही बोलूँगा बस थोड़ा। हमेशा की तरह
रिसेंटली 3 months पहले TFBK के डांस अकेडमी ज्वाइन करी है और मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लगता है कि लाइक मेरे को लगता है कि हम सबको कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर अपनी लाइफ में और अपनी डेली रूटीन में करनी चाहिए. और सर और मैम इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से सिखाते हैं, कभी कभी डांटते भी हैं जब हम लेट हो जाते हैं. बट देन यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है. तो मैं तो सबको बोलूँगी कि अपने बड़े बच्चों को अगर कोई भेजे तो छोटे बच्चों को भी ज़रूर भेजे और डांस इन्जॉय करें. थैंक यू. Without any further delay, let's start with our trophies and award distribution ceremony. पहले मैं बुलाना चाहती हूँ वाओ डांसिंग स्टूडियो के बच्चों को. सानवी शर्मा, प्लीज तालियां रुकनी नहीं चाहिए, आपकी तालियां ही इनको उत्साह देंगी. अर्पिता सिंह, पल्लवी रंजन.